हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देखें, ये सारा कचरा नहीं है, ये अमलतास की ये इस तरह की फली है। ये देख रहे हैं आप, ये मैं कल गई थी सत्या हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे मैंने उसके जस्ट सामने बहुत बड़ा सा ग्राउंड टाइप का बना था, पता नहीं कोई ऑफिस वगैरह होगा, मुझे नहीं पता, पर वहाँ ये अमलतास के ढेर सारे फूलों वाले प्लांट लगे हुए थे। और हम गार्डनर ऐसे होते हैं कि जहाँ भी फूल देखे वहाँ अपने आप ही पैर चले जाते हैं। सुबह के 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी, फिर भी मैं उधर निकल गई। तो मैं वहाँ पहुँच गई, फिर मैंने देखा सारी इतनी ढेर सारी फलियाँ लटकी हुई थी और काफ़ी हाइट थी, मैं उसका वीडियो भी नहीं बना सकती थी क्योंकि बहुत ऊँचाई पर था, कम से कम 30 फीट या 40 फीट की ऊँचाई पर था वो। तो मेरा मन हो गया कि चलो इनके सीड इकट्ठे करते हैं, देखते हैं इसमें सीड कैसे होंगे। तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो ये कुछ जो फलियाँ जो थी उसकी ये पड़ी हुई थी, तो मैं लेकर आ गई। और देखिए ये काफ़ी बड़ी फली होती है इसकी, बहुत ढेर सारी प्लांट पे लटकी हुई भी थी। तो देखिए इधर से भी पैक है और ये इधर से भी पैक है। तो ये कुछ गिर गई थी, टूट गई थी, तो मैंने सोचा चलो देखो निकालती हूँ मैं इसके सीड बॉल बना लूँगी मैं। तो देखिए इस तरह के ये बहुत, इनकी जो सेल होता है जो ऊपर का, ये बहुत हार्ड है, बहुत मजबूत है, टूटने से भी नहीं, तोड़ने से भी नहीं टूट रहा था। तो इसे मैंने इससे तोड़ा है, ये बटनी हथौड़ी मेरी ऊपर रखी हुई थी तो मैंने इसी से तोड़ लिया। तो ये देखिए इसमें ये इस तरह के घर बने हुए, जैसे मधुमक्खियों के छत्तों में नहीं होते हैं ये देखिए इस तरह के। तो ये मैंने ये उनमें से ये निकाले हैं, मेहनत तो काफ़ी लगी तोड़ने में, काफ़ी बार तोड़ना पड़ा है तभी ये टूटी है। देखिए इस तरह से, देख रहे कितना मजबूत है ये, इस तरह से मैंने तोड़ा था, इस तरह से तोड़ तोड़ के मैंने ये निकाले थे। तो काफ़ी अच्छे खासे बीज निकले हैं, तो मैं अब इनके बॉल बना के बारिश के दिनों में मैं पूरे में स्प्रिंकल कर दूंगी जब जाऊँगी कहीं पर भी, तो स्पेशली रेलवे लाइन के पास में मैं ज़रूर डालूंगी। अमलतास के फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मी में भी बहुत अच्छा सुकून देते हैं, जैसे गुलमोहर के फूल इस समय बहुत सुकून दे रहे हैं, गर्मियों में खूब खिलते हैं, ऐसे ही इसके अमलतास के भी फूल काफ़ी खिलते हैं। फरवरी मार्च में, जैसे मार्च अप्रैल तक, मार्च तक सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं, फिर बाद में इसमें फूल आने शुरू होते हैं और पत्तियाँ भी साथ में आनी शुरू होती हैं। तो फूल भी बहुत लगे हुए थे और पत्तियाँ भी, ये भी बहुत लटकी हुई थी, बड़ी बड़ी थी काफ़ी, 2-2, 3-3 फिट की थी ये। तो अमलतास के जो पत्ते होते हैं या फिर जो इसकी फलियाँ होती हैं, इनका आयुर्वेदिक में जो विशेष स्थान होता है आयुर्वेद में। और हाँ एक चीज़ और है, इस टाइप की जो पतली फलियाँ होती हैं, ये इस तरह की फली थी तो ये बिल्कुल बेकार निकली। तो अब इसमें से मुझे बीनना होगा और बीन के मालक करूँगी, वरना मेरे हस्बैंड आएंगे तो कहेंगे तूने क्या कचरा फैला रखा है पूरे में। तो मैं ये जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। और इसकी जो फलियाँ होती है, हरी फली होती हैं जो, उनके गूदे को निकाल करके, भिगो करके और फिर पीस करके, उसका छान के, उसका सत पीने से भी बहुत फ़ायदा होता है। ये बुखार में फ़ायदा करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है इसकी पत्तियाँ ये और बुखार में भी ये फ़ायदा करता है। तो ये हेल्थ एंड वेट फिट इसके बहुत है, पर मुझे तो ये सूखी मिली तो इसलिए मैंने इसके ये निकाल करके बीज रख लिए। मैं इनके डाल दूंगी, कुछ नहीं, हरियाली तो हो ही जाएगी थोड़ी दिनों में, चाहे 4 साल में निकले चाहे 5 साल में इसके फूल निकले, फूल तो आएंगे ही, पर थोड़ी सी हरियाली भी हो जाएगी। जहाँ पौधे और प्लांट बहुत कटते जा रहे हैं वहाँ पर ये अच्छा प्रयास होगा। तो मैं इनके बना लूँगी, बरसातों में इन्हें जगह जगह डाल दूंगी तो ये खूब ढेर सारे फूल खिलेंगे तो अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि प्लांट बहुत कट रहे हैं और कोरोना टाइम में इस समय ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी कि बस पूछो मत। तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं इस चीज़ से कि हम अपने प्लांट ये इस तरह की जितने भी एक्टिव हो तो कर सकते हैं। हम इन्हें घर में तो नहीं लगा सकते क्योंकि इतने हाइट के प्लांट हो जाते हैं ये, तो घर में गमलों में नहीं लग पाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा ग्रो बैग ले लो, ड्रम ले लो, मगर इनकी हाइट नहीं हो पाएगी ना, ये इतने अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो इसे मैं सिर्फ इसीलिए ले आई कि मैं इसके बॉल बना लूँगी, है ना, सीड बॉल जो बनाते हैं कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स करके,
तो वो बना के मैं डाल दूंगी, और बारिश के टाइम पे ही स्प्रिंकल करूंगी, जैसे कि जैसे फर्स्ट बारिश हो तो ये जर्मिनेट हो जाए, उसके बारिश में फिर अपने आप ही इसकी केयर होती रहेगी। हार्डी प्लांट तो होता ही है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत, तो जब छोटे छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, प्लांट तो बेबी प्लांट होते हैं, तो उनको पानी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। तो मैं ये स्प्रिंकल करूँगी, तो ये बहुत सुंदर फूल लग रहे थे मुझे, मैं तो देख के, वहीं पे अमलतास भी लगे हुए थे, वहीं पे गुलमोहर भी लगे थे, तो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बस मेरे पैर अपने आप ही खींचे चले गए थे उस साइड में, कहते हैं ना गार्डन फूलों की तरफ अपने आप ही चल देता है, जबकि इतनी गर्मी थी तब भी मैं उधर निकल गई। खैर अब मैं इन्हें इकट्ठा करके इनके बॉल बनाऊंगी, तब भी मैं आपको बताऊंगी गोबर की खाद और मिट्टी मिक्स करके गोल गोल बॉल बना के फिर मैं इन्हें स्प्रिंकल कर दूंगी। तो आप भी यही काम कीजिएगा, अगर कुछ नहीं तो जहाँ भी आपको सीड मिले, हर श्रृंगार के सीड मिले या किसी और चीज़ के सीड मिले, तो इस तरह से आप उगा सकते हैं, बो सकते हैं, और आप एक प्रयास, छोटा सा प्रयास, गिलहरी प्रयास हो जाएगा आपका भी, तो मेरा भी एक गिलहरी प्रयास होगा ये। वैसे मैं प्लांट भी बना सकती थी, पर प्लांट बनाने के बाद में प्लांट लगाने के मर जाता है, उखाड़ के लगाओ दूसरी जगह तो मर जाता है, तो इसलिए मैं प्लांट ही बनाऊंगी, इसके बॉल बना के और ट्रेन वगैरह से कहीं जाऊंगी तो स्प्रिंकल कर दूंगी, जगह जगह फेंक दूंगी, दूरी से, रेल की पटरियों पे नहीं फेंकूंगी, पर हाँ जगह जगह खाली होती है जो रेलवे की, वहाँ में फेंक दूंगी, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और चल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।